लोकेश पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट ने चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर सदर जमहूरिया से शिकायत की है। टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने पार्टी के कुछ मेंबरान पार्लियामेंट के साथ राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पार्टी के सुप्रीमो नारा चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को उनके नोटिस में लाया और उन्हें बताया कि रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा। दो अलग अलग खतूत में जिनमें से एक लोकेश के दस्तखत शुदा और दूसरे पर पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट के दस्तखत हुए, उन्होंने सदर को बताया कि अगर कोई सबूत नहीं मिला है, चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ उन पर कीचड़ उछालने के लिए हिरासत में लिया गया है।